मैं अभी कल परसों देख रहा था, एक बंदा तो लाइव इंजेक्शन लगा के दिखा रहा है। अभी वो जो सॉल्ट लगा रहा है, जो ड्रग, ना तो मुझे इस भाई से दिक्कत है, ना इस भाई के काम से दिक्कत है, ना मुझे इस चीज से दिक्कत है कि ये भाई अपने साथ क्या कर रहा है। मुझे दिक्कत इस बात से जो ये लोगों को दिखा रहा है, ये लोगों को सिखा रहा है, मुझे इस बात से दिक्कत है। आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, एक फिटनेस प्रोफेशनल हो, आपका 50,000 का फॉलोइंग लिस्ट है और आप यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ये सब कर रहे हो। स्मोकिंग सीरियसली ब्रो, इस तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, आपके खुद के क्लाइंट्स हो गए, आपकी एक रेपुटेशन हो गई। आप जिम में जाते हो, वहां पे फीमेल क्लाइंट्स होंगे, मेल क्लाइंट्स होंगे, एजेड क्लाइंट्स होंगे, वो लोग जब आपके व्लॉग्स देखते होंगे, जब आपकी वीडियोस देखते होंगे, तो आपका इंप्रेशन उनके ऊपर क्या पड़ता होगा। तुम लोग इनका इसका कमेंट जाकर के देखो, इसके कमेंट में भी ऐसे ही लोग हैं, बहुत अच्छे भाई, बहुत कूल लग रहे हो गाली देते हुए, ये सब मत करो। बाकी इन्फ्लुएंसर्स कितने रिप्ड हैं, उनके एप्स पॉप आउट हो रहे हैं, हर जगह नशे आ रही हैं बहुत लोगों के। भाई मेरी आज तक नहीं है कभी, आपने देखा होगा मैं हमेशा तेरा। कैसे है मेरे भाइयों, मतलब मेरे को लगा ही था ना कि मतलब स्टूडेंट सीरीज को लेके, मेरे स्टूडेंट सीरीज को लेके बहुत सारे विवाद होगा, बहुत लोग बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन राजीव भाई मेरे सीरीज के बारे में बात करेंगे, वो भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट पे। मतलब ना इस बात को सोच के ना बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है मुझे इस चीज को। यार मैं तुम्हें बता दूं कि राजीव भाई को मैं काफी टाइम से फॉलो करता हूँ। फॉलो इसलिए करता हूँ कि वो बंदा है ट्रांसपेरेंट पूरी तरीके से। बंदा अगर स्टोर्स यूज करता है तो सारी चीजें बताता है कि भाई मैं स्टोर्स यूज कर रहा हूँ, और वो बंदा मना भी करता है, राजीव भाई मना करते हैं कि भाई तुम लोग स्टोर्स मत यूज करो, यूज वही करो जो भाई जिसको प्रोफेशनली खेलना है, प्रोफेशनली जाना है, इस फील्ड के अंदर रहना है, वो यूज करो। सो इसके चक्कर में उन भाई को मैं फॉलो करता था, काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, अभी भी फॉलो करता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट यार जब से इन्होंने ना मतलब ये मेरे ऊपर ये वीडियो बनाया इन्होंने कि एक लड़का है स्टेरॉइड्स ले रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है अपने पिछवाड़े पैसा करो और के, ना दिल टूट गया यार। मतलब ना मतलब मैंने सोचा था कि भाई नेगेटिव वीडियोज बनेंगे मेरे ऊपर स्टेरॉइड सीरीज को लेके, बट राजवीर भाई से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि वो मेरे अगेंस्ट रहेंगे एक तरीके से लेके, कि मैं अगर स्टेरॉइड्स यूज कर रहा हूँ, मैं लोगों को ट्रांसपेरेंट और सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। पता नहीं क्यों, क्या सीन है यार। आप लोग पता है मैंने बता भी रखा है आप लोगों को कि भाई राजवीर भाई भी स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, आप जाके एक बार उनसे पूछ लो। और आपको लगता है कि बस मैं बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री में बस सोनू चौहान स्टेरॉइड्स यूज करता है, तो ये वहम है लोगों का। ऑलमोस्ट हर एक इन्फ्लुएंसर जो बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी बिल्डिंग में है, वो कुछ ना कुछ सारी चीज़ यूज़ करता है। सांस यूज़ कर रहा हो, या फिर ओरल फॉर्म में कोई स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा हो, या फिर इंजेक्शन लगाता हो, आप जाकर देख नहीं रहे किसी को कि कौन क्या यूज़ कर रहा है। आप लोग उतनी चीज़ें देख पाते हो जितनी हम लोग दिखाना चाहते हैं। हम लोग मीन की मतलब जितने इन्फ्लुएंसर है जितना वो दिखाना चाहते हो उतना ही आप देखते हो। अगर वो 2 मिनट की वीडियो डालेंगे तो आप 2 मिनट ही देखोगे, 3 मिनट तो देखोगे नहीं। अगर वो 10 मिनट की वीडियो डालोगे तो 10 मिनट ही देखो, 15 मिनट नहीं देखोगे। आपको नहीं पता कि उसके आगे चीजें क्या चल रही हैं। 10 मिनट की वीडियो में आपके सामने आके बैठ के मैंने बकचोदिया कर दिया, अरे भाई मैं तो ये नेचुरल, मैं तो ये, मैं तो वो, 5 साल की बॉडी, 10 साल की बॉडी, ऐसा बॉडी, ऐसे बकचोदी कर देंगे या फिर बोलेंगे कि नेचुरल ही हूँ मैं तो, ऐसे ही हूँ, मतलब मैंने कुछ लिया ही नहीं है। और वीडियो ऑफ करते ही, वीडियो क्रिएट करते अपलोड करते ही बस टीके लग रहे हैं पिछवाड़े में, तो अब आप तो जाकर देख नहीं रहे। और एक सिंगा भाई की वीडियो आई थी रिसेंटली, सिंगा फिट माइंड्स के नाम से, देखो उनसे कोई मेरा हेट नहीं है, बट उनका एक था वीडियो, एक क्लिप देख लो एक बार आप लोग। मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा फनी लगता है और वियर्ड भी लगता है जब मेरे को कोई कमेंट में कहता है नॉट नेचुरल, क्योंकि मैं मेरी बॉडी यार, अगर तुम इंडियन फिटनेस में देखो बाकी इन्फ्लुएंसर्स कितने रिप्ड हैं, उनके एब्स पॉप आउट हो रहे हैं, हर जगह नसें आ रही हैं बहुत लोगों के, भाई मेरी आज तक नहीं है कभी। आपने देखा होगा मैं हमेशा 13-14-15% बॉडी फैट में ही हूँ, और भाई ना मैं पार्टी करता, तुम लोगों ने देखा है, ना मैं पार्टी करता, ना मैं कहीं जाता, ना मैं कुछ करता, सिर्फ मैं मेहनत करता, और उसके बाद ये हाल है। और मतलब देखा है कि मैं कितनी बार बेंच कर रहा हूँ, कितने 4-4 बार स्क्वाट लगाए जा रहा हूँ, तब जाके कहीं 6 महीने में 5-10 kg का प्रोग्रेस होता है मेरा। तो वही बात है, जब आप 7-8 साल कर लोगे बंदे बोलेंगे, वो लॉजिक नहीं समझेंगे, भाई आप करो, आप लोग भी करो ऐसा कि आपको भी बोले लोग, मज़ा आ रहा है मुझे तो। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो स्ट्रेटेड नहीं हूँ, मेरे एब्स नहीं है, मैं लीन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा साइज के साथ लीन नहीं रहता, तो इसका मतलब कि मैं नेचुरल हूँ। भाई ऐसी बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि अगर कोई बंदा स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा है इसका मतलब वो पूरा लीन होगा, एब्स दिखेंगे उसके, तगड़े साइज होगा,
ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वो बंदे भी स्टोरी शूट करते हैं जिनका पेट निकला पड़ा रहता है, ठीक है, पेट निकला पड़ा रहता है, बट डोले बैठ के तगड़े तगड़े होते हैं, और फिर वो बंदे बोलते हैं कि मैं नेचुरल हूँ, है ना, क्योंकि मैं सेडेटेड नहीं होती। गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, बस देखो हेट नहीं है भाई से, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। देखो आप लोगों से मैं कभी कुछ छुपाता नहीं हूँ, जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। कोई गलत है क्या सही है वो लोग आप लोग डिसाइड कर लोगे। आप लोग 3 साल के बच्चे थोड़ी ना, आपको समझाना पड़ेगा। अगर सिंह भाई बोल रहे हैं कि मैं सेडेटेड नहीं हूँ, मैं लीन नहीं हूँ, मैं बस बल्कि बॉडी लेके घूम रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं नेचुरल हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आप नेचुरल हो, मैं इस चीज़ से मना नहीं करता। हो सकता है कि मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ रहता नहीं हूँ, मुझे आपके लाइफस्टाइल नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता भाई। आप जितने मिनट की वीडियो डालते हो उतना ही देखता हूँ, उसके आगे पीछे कुछ नहीं जानता मैं आपके बारे में। तो आपके बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं रहा, बस वो जो आप बता रहे थे ना ऑडियंस को, वो चीज़ को मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसे बतेरे बंदों को आपको मिलवा दूंगा ना, जो बंदे स्टोरेज भी यूज करते हैं, उनका पेट भी निकला पड़ा है, उनका डोले भी है भाई, उनका अच्छा सा साइज है, बट स्टोरेज यूज कर रहे हैं भाई, वो क्यों नहीं लीन है। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखो, जैसा आप चाहोगे वैसे ही बन जाओगे भाई। जो चीजें जो कंपाउंड यूज करोगे वैसे बॉडी रिएक्ट करेगी भाई। अगर मैं गेनिंग का सामान चला रहा हूँ और बहन जो समोसे रसगुल्ले मिठाइयाँ खा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं लीन हो जाऊंगा? अगर हाई कैलोरीज खा रहा हूँ, मैं गंध खा रहा हूँ और गेनिंग की चीजें यूज कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बतेरी चीजें हैं, तो आपको क्या लगता है लीन रहोगे? नहीं भाई, डिपेंड करता है कौन सा कंपाउंड चला रहे हो, उसके साथ साथ डाइट क्या फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये चीज़ कहना कि गेनिंग कटिंग लोड़ा लेसन छोड़ो ना, तो चलो ये तो बस एक नॉर्मल सी बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया। बट बात यहाँ पे राजीव भाई की, एक मतलब यार मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस चीज़ों को लेके मेरे भाई को पता है मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक आया हूँ भाई। मैंने क्या नहीं किया, मैं जो मेरा स्ट्रगल टाइम सारी चीज़ का सारा सारा वीडियो में यहाँ पे अपने यूट्यूब अकाउंट पर शेयर कर रखा है मैंने, कि कैसे एक टाइम पे हेल्पर की जॉब क्या करता था भाई, क्या स्ट्रगल टाइम था भाई उस चीज़ को लेके, कि मैं बस जिम ट्रेनर बनना चाहता था, सर्टिफिकेशन करना चाहता था, सारी चीज़ें करना चाहता था, वो सारी चीज़ें अभी अचीव कर रखा है मैंने। तो वो टाइम ही मैंने दिखा रखा है कि भाई मैं क्या खा रहा था, क्या पी रहा था, क्या बहन जो रह रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने ट्रांसपेरेंट होकर दिखाया। तब तक ना सुट्टा ना कुछ, मैं जो पैसे नहीं रहते थे उतने की मैं इन सब करूँ, और करने का शौक ही नहीं था। वो तो भाई साथ रह रहे कि जैसे बंदे आते रहते हैं वैसे वैसे लाइफ चेंज होती रहती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट ऐसा होता है जैसे बंदे आपके लाइफ में आएंगे थोड़ा बहुत चेंजेस तो होती होती है। तब भी मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट था कि भाई मैं चीज़ें क्या कर रहा हूँ भाई, कोई दिखाता थोड़ी ना कि बहन जो मैं हेल्पर की जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं तो दिखा रहा था भाई, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल बहन जो मुझे आप लोगों के साथ जुड़ना है भाई, आप लोगों के साथ ग्रो करना है, दिखाना है सारी चीज़ें कि भाई सबके लाइफ में दिक्कतें होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोग सब चीज़ करना छोड़ दो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको फेस करो ना भाई, मतलब लड़ो उस चीज़ को लेके, ये थोड़ी ना कि आप डर के भाग जाओगे। तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ भाई, जो चीज़ें करूँगा सारा का सारा दिखाऊंगा। अगर मैं बहन जो सुट्टा फूकता हूँ तो फूकता हूँ, अगर छोड़ रहा हूँ तो वो भी दिखाऊंगा, पी रहा हूँ तो वो भी दिखाऊंगा, स्टोर्स ले रहा हूँ तो दिखाऊंगा, नहीं ले रहा हूँ वो भी बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ शो करूंगा। मेरे लाइफ स्टाइल में शो करूँ, किसी को कुछ भी कहो, मतलब क्या ही क्या मतलब यार, मैं अपनी लाइफ दिखा रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट करने वाली बात थोड़ी ना यार। आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यार राजू भाई, आप भी शो करते हो, मतलब शो इन द सेंस कि आप भी तो बताते हो कि स्टोरी यूज करते हो, तो इससे बंदे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? बंदे तो फिर भी बोलेंगे कि भाई राजवीर भाई आप भी तो स्टोरी यूज करते हो, हम भी कर लेते हैं। यार अगर किसको लेना वो लेगा, आप उसको कितना भी रोक लो, आप बोल दो ना उससे कि भाई तू स्टोरी मत ले, वो लेगा भाई, रियलिटी है, रियलिटी है। अगर आप किसी को कुछ भी मना करते हो भाई, वो अपने मन की ही करेगा एंड दी एंड। तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैं स्टोरी शूट कर रहा हूँ, तो बहुत लोग हैं कि बोलेंगे ठीक है मैं नहीं करूंगा, कोई बोलेगा कर लूंगा, तो उसकी जिम्मेदारी मतलब क्या है, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को लेकर। अब मेरे काम बस इतना ही नहीं है कि स्टोरी पिछवाड़े को ठोक के दिखा देना भाई, मैं सारी चीज़ें रिवील करता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, साइड इफेक्ट्स बेनिफिट्स हर एक चीज़ को दिखाता हूँ, कैसे लाइफ स्टाइल है, कितनी बुरी चीज़ें चल रही है मेरे लाइफ में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सारा अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। मन तो कर रहा था कि स्टोरी सीरीज बहन से बंद कर दूँ, बट नहीं कर सकता भाई, भाइयों के इतना प्यार है, बहन जितना ज़्यादा सपोर्ट है, एक दो लोगों की वजह से मैं अपने स्टोरी सीरीज क्यों बंद करूं, जब इतने लोग सपोर्ट करने वाले, इतने लोग चाहने वाले हैं, मतलब इतना प्यार करते हैं भाई आप लोग, मतलब उस चीज़ की हद नहीं है यार, इतना सारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, मतलब भाई सीरीज चलेगी भाई, पक्का चलेगी, इन फ्यूचर जो भी करेगा तुम्हारा भाई सारा सारा दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सपोर्ट करते रहो, ऐसी जलाते रहो सबकी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़ते रहेंगे, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ले बाय, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देता रहता हूँ हर एक चीज़ को लेके, देशानु चौहान के नाम से अकाउंट है, जल्दी सर्च करो इंस्टाग्राम पे और आ जाओ।